नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिपकल सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, सिपकल सिरप को कैसे लेना चाहिए और सिपकल सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि सिपकल सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में सिपकल सिरप को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। सिपकल सिरप में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कैल्शियम और विटामिन D3 होता है। हमारे शरीर में दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम बेहद ही जरूरी होता है। हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों में स्टोर होता है और बचा हुआ 1% हमारे ब्लड में होता है। जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तब हमारा शरीर हड्डियों और दांतों से कैल्शियम लेने लग जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हड्डियां और दांत कमजोर होने लग जाते हैं। हड्डियां कमजोर होने की वजह से हड्डियों में हल्की सी चोट या गिरने की वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है। कैल्शियम की कमी की वजह से दांतों की जड़ें कमजोर हो जाती है और दांत भंगुर होकर टूटने लगते हैं, और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दांतों को निकलने में देरी हो सकती है या लंबा समय लग सकता है। बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी कम रह सकती है, और शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर शरीर की हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहने की समस्या भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिपकल सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है। सिपकल सिरप का उपयोग शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर दांतों और हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, रूमेटोइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस होने पर, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए, और ऑस्टियोपोरोसिस होने पर डॉक्टर सिपकल सिरप को लेने की सलाह दे सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों का रोग है जिसमें शरीर की हड्डियां बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है। इसके अलावा बच्चों में रिकेट्स होने पर भी डॉक्टर सिपकल सिरप को लेने की सलाह दे सकता है। रिकेट्स होने पर बच्चों की हड्डियां कमजोर होकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। जो व्यक्ति लंबे समय से स्टेरॉइड्स दवाइयां, मिर्गी या दौरे की दवाइयां ले रहे हैं, उन व्यक्तियों को भी डॉक्टर सिपकल सिरप को लेने की सलाह दे सकता है। हड्डियों में फ्रैक्चर होने पर भी डॉक्टर सिपकल सिरप को लेने की सलाह दे सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिपकल सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सिपकल सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादा डोज में सिपकल सिरप को लेने से ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो सकता है। कुछ रिसर्च में यह पाया गया है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा होने से दिल से संबंधित रोग होने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा किडनी में पथरी होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है, और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर होने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसलिए सिपकल सिरप को ज्यादा डोज में लेने से बचना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि किन व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है और किन व्यक्तियों को सिपकल सिरप को लेने की जरूरत पड़ सकती है। जो व्यक्ति केवल शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं और दूध, दही और लस्सी जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन बहुत कम मात्रा में करते हैं, उन व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का रिस्क अधिक होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सिपकल सिरप को लेने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप ज्यादा मात्रा में प्रोटीन या नमक का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि प्रोटीन और सोडियम का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से शरीर से कैल्शियम ज्यादा मात्रा में बाहर निकलता है। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी होती है और ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। इसलिए मेनोपॉज के बाद कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए और ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सिपकल सिरप को लेने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपने स्टेरॉइड्स दवाओं जैसे डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन या डिफ्लाजाकोरट आदि दवाओं का सेवन लंबे समय तक किया है, तो आपको डॉक्टर सिपकल सिरप को लेने की सलाह दे सकता है, क्योंकि स्टेरॉइड्स दवाओं का लंबे समय तक सेवन करने से ऑस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है।
जिन व्यक्तियों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या है उन व्यक्तियों में भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या होने पर व्यक्ति दूध को अच्छी तरह से पचा नहीं पाता है, जिसकी वजह से भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को दूध को पीने के बाद पेट में दर्द, पेट में गैस, पेट में भारीपन, दस्त या स्टूल के अंदर फैट आती है तो ये लक्षण लैक्टोज इंटॉलरेंस के हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिपकल सिरप को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। सिपकल सिरप को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर डॉक्टर 1 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को 2.5 मिलीलीटर से लेकर 5 मिलीलीटर सिपकल सिरप को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं और 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर से लेकर 10 मिलीलीटर सिपकल सिरप को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। सिपकल सिरप की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको सिपकल सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिपकल सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में सिपकल सिरप को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। थायराइड की टैबलेट और सिपकल सिरप को एक साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि थायराइड की टैबलेट और सिपकल सिरप को एक साथ लेने से थायराइड की टैबलेट का अवशोषण कम हो सकता है, जिसकी वजह से थायराइड की टैबलेट की प्रभावशीलता कम हो सकती है। अगर आप थायराइड की टैबलेट को लेते हैं तो आपको थायराइड की टैबलेट और सिपकल सिरप में 8 से लेकर 10 घंटे का गैप रखना चाहिए। किडनी की कोई समस्या होने पर और किडनी में पथरी होने पर सिपकल सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर